मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 167 विवाह हुए संपन्न। छतरपुर जिले के लवकुशनगर जनपद पंचायत में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। 176 जोड़ों के विवाह होने थे, मगर 167 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हुए और 167 जोड़ों ने सात फेरे लेकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वही लवकुशनगर जनपद सीईओ ने बताया कि शासन द्वारा 55,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिसमें 38,000 रुपये की सामग्री दी जा रही है, तो वही 11,000 रुपये का नग चेक दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कार्यक्रम के दौरान की गई व्यवस्थाएं पूर्णतः चुस्त दुरुस्त देखने को मिली। तो वही खाने और पीने के पानी का इंतजाम की बात करें तो वर पक्ष और वधु पक्ष सहित अन्य अतिथियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा रहा। वही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने मंच पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में गीत संगीत सहित दूल्हा दुल्हन सहित अन्य लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहां पर लोगों ने खूब सेल्फी ली। कार्यक्रम में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए काफी संख्या में पुलिस की तैनाती रही। राज इंडिया 18 के लिए ओम रैकवार लवकुशनगर। हमारे यहाँ कुल 176 जोड़ों ने आवेदन किया था, सभी का पात्रता परीक्षण किया गया था, सभी पात्र पाए गए थे। उनमें से 9 लोग अभी नहीं आ पाए हैं, बाकी सभी आए हैं। 167 का हमने पंजीयन किया है और सभी पंजीयन करने के बाद जयमाला के बाद उनका मंडप में सात फेरे के बाद उनको खाने की व्यवस्था, सभी को फूड पैकेज के टोकन दिए गए थे, उसके बाद सामग्री वितरण में दिया गया था। जैसा कि इसमें बताना चाहूँगा कि शासन द्वारा इसमें 55,000 रुपये की राशि दी जा रही है और उसमें से 38,000 रुपये का सामग्री दिया जाएगा। गृहस्थी के सामान है, उसमें बड़े बड़े आइटम है, जैसे पेटी है, अलमीरा है, सिलाई मशीन है, रेडियो है और चांदी के आभूषण है, टीवी कलर टीवी है और 51 बर्तनों का एक किचन सेट है, इस कुर्सी 6 सेट कुर्सी है, डाइनिंग टेबल का सेट अलग से है। इस तरह से 38,000 का सामग्री है और 11,000 का नगद चेक वधू के नाम दिया जा रहा है। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कन्या विवाह योजना के तहत हुआ है, जिसमें ये लौड़ी जनपद में 176 कन्याओं का विवाह हुआ है जो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो इस मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और इसमें जो भी दहेज की सामग्री है वो सारी वरवधु को अपन जनपद के माध्यम से दे रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत योजना चलाई जा रही है, उसी तारतम्य से कार्यक्रम आज चल रहा है। ये हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत जनपद पंचायत लवकुशनगर में 176 कन्या जोड़ों का विधिवत मंत्रोच्चारण से हिंदू विवाह रीति रिवाज से सप्तपदीय विवाह सात फेरे लेकर के विवाह संपन्न हुआ, जो सभी को बहुत अच्छे से सम्मान और बहुत अच्छे से मनाया गया और सभी लोग खुश होकर के सभी लोग व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से रही सुचारू, सभी को भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई, जो सामान है, जो गहने हैं, जो सामान है, जो दहेज का सामान है, वो सभी को पर्याप्त मात्रा में जो रूल के जो उसके अनुसार है मेनू के अनुसार वो दिया गया और यहाँ निर्विघ्न शादी संपन्न हुई बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से अग्नि के साथ फेरे लेते हुए। और हम अपने माननीय मुखिया जी को शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देते हैं। हम अपने सरपंच संघ जनपद पंचायत लवकुशनगर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लवकुशनगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सी व्यवस्था है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, अब देख भी नहीं मिलू, बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छी, ठीक है, अभी नहीं, नहीं कोई कम नहीं। आपकी एक शहर से एक खबर जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच सकती है, और बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं, क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं,
सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।